नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में एक शव को प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारी कब्रिस्तान में ढूंढ रहे, लेकिन शव कहां दफन है ये नहीं जान पाए, जिसके बाद वो सब बैरंग वापस लौट गए। दरअसल सुरसा थाना क्षेत्र के क्रांति मजरा पुनिया निवासी संजय जिलाधिकारी से ज्ञापन देकर गुहार लगाई कि उनके भाई अमर सिंह का किसी अज्ञात वाहन से सुरमई बापू पुरवा के बीच एक्सीडेंट हुआ था, जिसको बघोली पुलिस ने मुस्लिम नाम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई और पुलिस ने शिनाख्त किए बिना ही शव को मुस्लिम रीत रिवाज के अनुसार दफनवा दिया। मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त करने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम ने प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई के आदेश दिए और एसडीएम सदर सीएमओ और एसओ बघोली को शामिल कर शव को कब्रिस्तान से निकलवा कर उसकी शिनाख्त परिजनों से कराने के निर्देश दिए। उसी क्रम में सभी अधिकारी और पुलिस शव को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां शव को गाड़ने वाला और जिला अस्पताल का कल्लू उस स्थान को भूल गया जहां शव दफनाया गया था। दोनों पूरी टीम को इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन एक राय होकर ये नहीं बता पाए कि वास्तव में शव किधर दफन किया गया, जिसके बाद पूरी टीम बिना शव ढूंढे ही वापस लौट गई। हमारे सर मेरा भाई को एक्सीडेंट हो गया है और ना उसका पता लग रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, ना फोटो मिल रही है, मैंने उसके कोई कपड़े मिल रहे हैं और सर मैं उसकी लाश को खुदवाना चाहता हूँ गोपी पुरवा के बीच में थाना गाड़ी गाड़ी थाने में खड़ी है चौकी पे। दो तारीख को एक अज्ञात शव यहाँ पे दफन कराया गया था, जिसके संबंध में सुरसा में खुद्दी गांव के एक आदमी जो है अपने घर से मोटरसाइकिल लेके गया था, उससे एक्सीडेंट हो गया था। तो उस अज्ञात शव को उन्होंने घर वालों ने शिकायत की कि नहीं, वो अज्ञात शव जो है मुस्लिम का नहीं, वो मेरा है। डीएम महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई, जिसमें एसडीएम सदर सीएमओ और मैं एसओ बघौली कमेटी में सम्मिलित थे। कमेटी और उनके परिजन और जो है यहाँ के मेम्बरान कब्रिस्तान के सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो कब्रिस्तान के जो गाड़ने वाले हैं वो और जो हॉस्पिटल से लेके आया था कल्लू वो और उनके परिजन तीनों लोग अलग अलग शव कब्रिस्तान को बता रहे थे कि ये कब्रिस्तान है। एकत्र तय नहीं होने के कारण जो है इसको सब लोग सहमति से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।